बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवाई टीवी। घर में बैठे रहने से है फीस अहलिया से तंग। घर में रहकर मेरी हालत और शख्स जैसी हो गई है जो अपनी बेगम के रहमो करम पर है ऑलराउंडर। मजीद तफसीलात जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्रिकेट के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज अपनी दानिशमंदाना बातों की वजह से साथियों के साथ क्रिकेट की हमेशा तवज्जो का मरकज बने रहते थे। साथ ही क्रिकेटर्स को हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाने की वजह से पहले ही मशहूर हैं। हमेशा फैमिली को अपनी जन्नत करार देने वाले मोहम्मद हफीज कोरोना वायरस की वजह से मुसलसल घर पर गुजारना महंगा पड़ गया। साथ ही क्रिकेटर्स की जानब से मोहम्मद हफीज उनकी अहलिया को आइडियल जोड़ी कहा जाता है। मगर आजकल सारा दिन घर पर गुजारने पर अहलिया से तंग पड़ गए हैं। उसकी वजह शायद क्रिकेट से क्रिकेट के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज को प्रोफेसरी दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा। अहलिया उनके मशवरों को हवा में उड़ा देती हैं। इस हवाले से मोहम्मद हफीज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उनका कहना है कि घर में रहकर मेरी हालत इस शख्स जैसी हो गई है जो घर में 5 दिनों से अपनी बेगम के रहमो करम पर है। उसके कान उस शख्स की तरह बेगम की बातें सुन सर कर इतने पड़े हुए हैं। मोहम्मद हफीज का मतलब कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठे रहने की वजह से सारा दिन बेगम की फरमाइशें सुनने से तंग आना है। ये तो शायद महज एक मजाक था। मोहम्मद हफीज का कहना है कि अल्लाह पाक इस मुश्किल घड़ी से हमें निकलने की तौफीक दे। उन्होंने हम वतनों से मुखातिब होकर कहा कि ये मुश्किल वक्त है, हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए। ये वक्त अल्लाह पाक को याद करने का है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।